आज भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल के निवास पर सांसद प्रत्याशी अतुल गर्ग के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्व समाज एवं शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ RWA के प्रतिनिधि, औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण सभा, अधिवक्ता एसोसिएशन के अलावा तमाम प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने अपने क्षेत्र के अधिकतम मतदान कराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी। इस अवसर पर अतुल गर्ग का पगड़ी पहनकर एवं मालाओं के साथ पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया गया। राष्ट्रीय कवि वगीश दिनकर ने उनका तिलक करके तथा मयंक गोयल ने पूरी टीम के साथ बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अतुल गर्ग ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एवं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ अतुल गर्ग ने सभी लोगों से कहा। कोई कह रहा मेरी सड़क नहीं बनी, कोई कह रहा मेरा आसमान नहीं बना। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, मजाक कर रहे हो क्या? देश की इज्जत का चुनाव है। आज मोदी ने कमाल कराया है, कौन सी कमी छोड़ी है विकास के अंदर? 3 गुना बजट बनाया मोदी ने, राम मंदिर बनाया मोदी ने, 370 हटाई मोदी ने, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का हता पता नहीं, आजम खान जो जोर जोर से बोलता है वो रुतबक तुबक के रोता है, दहाड़ मार मार के रोता है कि मेरे को मारा, मेरे को मारा, मेरे को मारा, कोई गुंडा नहीं बच रहा। हर बात में हम तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम नाम कर रहे हैं। ट्रंप भी हमारे साथ, बाइडेन भी हमारे साथ, सुनक भी हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रांस, जर्मन, जापान, कोई सा देश ऐसा नहीं जो मोदी की तरफ ना देख रहा हो। और हम क्या कह रहे हैं, भाई साहब पहले मतदान फिर जलपान, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे। अरे खुद नहीं खोलता, अरे मेरे देश का नंबर वन प्राइम मिनिस्टर चौहान के बाद हम पूरी तरीके से भारत की सरकार आई है, हमारे खून की सरकार आई है, हमारे स्वाभिमान और अभिमान की सरकार आई है, और हमारे को ये कहनी पड़ रही है कि पहले मतदान फिर जलपान। पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं सड़कों पर आ जाता? कोई स्वाभिमानी व्यक्ति क्यों नहीं सड़कों पर आ जाता? तारीफ सब करेंगे पर मतदान 50% करेंगे। अब क्या कहें? तो भैया मैं तो यही कह रहा हूं आपसे कि भाई यहां तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बीजेपी का ना हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो मतदान ना करा रहा हो। पर कुछ ऐसे लग रहा है कि दिल ने दिल से बात कही और हो रही है। जो आप कह रहे हो वो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप इससे कह रहे हो। हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ लगे कह रहे हैं कि यार करें क्या इस मतदान का? अभी लोगों को समझा सकते हो तो समझाओ। अरे 70-80% मतदान होगा तो 2014 में नरेंद्र मोदी को 19 करोड़ वोट मिला था, 39%। 2019 के अंदर 23 करोड़ वोट मिला था, 45%। अरे क्यों नहीं हमके बार हम ये कोशिश करते कि नरेंद्र मोदी को 51% वोट मिले।